Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my students, my viewers, welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ज्योमेट्री एंड थ्योरम्स। थ्योरम जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बच्चों के लिए बहुत ही समझना जो है वो एक अमर महाल होता है, बड़ा मुश्किल लगता है उनको ये टॉपिक। लेकिन स्टूडेंट्स, चंद एक जो बुनियादी चीज़ें, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी जो है चंद फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो डिफिनीशंस थी, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज भी मैंने यही टास्क अपने सामने रखा हुआ है और आज मैं जो है बेसिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, जो रीजनिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, एक्सियम्स एंड पॉस्टुलेट्स, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि थ्योरम से बच्चों को उस वक्त समझ आएंगे जब वो इन बुनियादी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से क्वाइट अवेयर होंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग द एक्सियम्स, और ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास तीनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सो व्हाट इज एक्सियम? एक्सियम is a statement or proposition, कोई मफरूजा, which is regarded, जो कि कंसिडर होते हैं, being established, accepted or self evidently true, ऐसी चीज के जिसको आप without any proof accept करते हैं, एक ऐसी चीज के जिसके प्रूफ की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ जो है वो क्या होती है, एविडेंटली ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ, हम मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज करते हैं 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। अब ज्योमेट्री के हम जब बात करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर बाज ऐसी चीजें आ जाती हैं जिस तरह हम कहते हैं लाइन के बारे में हम कहते हैं, उस दिन भी हमने डिस्कशन की पिछली वीडियो के अंदर, लाइन को काफी से हासिल गुफ्तगू की। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है व्हिच इज सेल्फ एविडेंट ट्रू है, सेल्फ एविडेंटली ट्रू। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स पोस्टुलेट। व्हाट इज पोस्टुलेट? दिस इज अ स्टेटमेंट, हियर अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ, दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी proof, especially it is used in the geometry. It is a suggestion, ये कोई सजेशन है, or assumption है, कोई assume की हुई बात है, कोई proof की हुई बात है, for the existence of facts or truth of something, किसी चीज के बारे में हम कोई हकीकत, कोई ऐसा फैक्ट बयान करते हैं कि जो बिल्कुल जो है विदाउट एनी प्रूफ जो है क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है, मानी हुई बात होती है, एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग, डिस्कशन और बिलीफ। जब हम थ्योरम्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम रीजनिंग करते हैं, कोई डिस्कशन होती है हमारी, कोई ऐसे पॉइंट्स, कोई ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं जिनको हम सामने रखकर जो है किसी थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं उस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, थ्योरम क्या चीज है, लेटर ऑन हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पोस्टुलेट की एग्जांपल दूं, जो हम ज्योमेट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ थ्योरम्स में एज अ स्टेप यूज करते हैं, एज अ फैक्ट यूज करते हैं, दीज आर एडिशन एंगल पोस्टुलेट। एडिशन एंगल पोस्टुलेट क्या है, ये थ्योरम के अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा, एडिशन एंगल पोस्टुलेट। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट में डिस्कस कर चुका हूं अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर, सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट पर काफी सारी डिस्कशन कर चुका हूं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ कंफ्यूजन। आप इनकी डिफिनीशंस को देखें तो आपको ऑलमोस्ट इनकी डिफिनीशंस जो है वो कोरिलेट करती नजर आती हैं, ऑलमोस्ट सेम नजर आ रही हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड द पोस्टुलेट? अ स्टेटमेंट यूजुअली कंसीडर्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, दैट इज समथिंग व्हिच इज सेल्फ एविडेंट, इज सेड टू बी एन एक्सियम। ठीक है, और पोस्टुलेट की जब हम बात करते हैं तो द पोस्टुलेट कैन बी अ स्पेसिफिक, एक मखसूस फील्ड के अंदर, ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो क्या होता है, यूज होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि पोस्टुलेट जो है वो मेजॉरिटी जो है उनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका यूटिलाइज करना है, वो ज्योमेट्री के अंदर हमें नजर आता है। ठीक है, जबकि एक्सियम जो होता है वो किसी भी फील्ड ऑफ साइंस के अंदर यूज हो सकती है, मैथमेटिक्स के अंदर यूज हो सकती है, अलजेब्रा के अंदर यूज हो सकती है, किसी भी और फील्ड ऑफ साइंस के अंदर ये यूज हो सकती है। बुनियादी तौर पर दोनों जो है वो ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि जो विदाउट एनी प्रूफ जो है वो क्या होती हैं, एक्सेप्ट की जाती हैं, और दीज आर द बेसिस These are the foundations for the proof of the theorems. या किसी major concept को prove करने के लिए हम इन basic concepts को जो fundamentally जो है वो क्या होते हैं agreed या proved statements होती हैं और इनको हम use करते हैं for the proof of a theorem. ठीक हो गया students? Now students, very important जो टॉपिक है हमारा थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस. ये जितना हमने अभी तक डिस्कशन की है ये इन थ्योरम्स की बेस बनाने के लिए की है. जितना भी हमने अनडिफाइंड टर्म्स, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, हमने डिस्कस किया, एक्सियम्स को, पोस्टुलेट को डिस्कस किया, ये सारा काम हमने जो है किसके लिए किया था? थ्योरम्स के लिए किया था. अब देखते हैं व्हाट इज थ्योरम. थ्योरम्स आर प्रोपोजिशंस. थ्योरम्स स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस मफरूजात या ऐसी स्टेटमेंट है कि देट आर प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स, पोस्टुलेट, अनडिफाइंड एंड डिफाइंड टर्म्स. सो देखा आपने स्टूडेंट्स कि थ्योरम क्या चीज है कि जिनको हम पोस्टुलेट, एक्सियम्स, अनडिफाइंड टर्म्स लाइक पॉइंट, लाइन, सेगमेंट एंड डिफाइंड टर्म्स की मदद से हम क्या करते हैं, उन स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तरीकाकार की मदद से, क्राइटेरिया की मदद से, एक मखसूस हम जो है स्पेसिफिक जो है मेथड फॉलो करके जो है वो हम क्या करते हैं, हम थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें थ्योरम्स के अंदर नजर आएंगी कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. कोई ट्रायंगल है तो उसके तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो प्रूफ करेंगे 180 डिग्री के इक्वल होता है. और बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जब हम थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे 9th के, 10th के, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हमें सबसे पहला काम जो है वो क्या करना होगा, स्टेटमेंट हैंडल करना होगा थ्योरम की. नाउ स्टूडेंट्स जो थ्योरम्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो लिहाज से, दो उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं. नंबर वन है ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स. ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स जो ज्योमेट्री की टर्म्स से रिलेटेड होते हैं उनकी मदद से हम उनको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं. द थ्योरम्स दैट आर प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के कवानीन, ज्योमेट्री के उसूलों को फॉलो करके हम क्या करते हैं, हम थ्योरम्स को, उन स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं. फॉर एग्जांपल इसके लिए एक एग्जांपल मैंने एक थ्योरम सेलेक्ट किया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल 5 टाइप्स की होती हैं, इसको मैं डिस्कशन करूंगा एट एनी स्टेज लेटर ऑन. व्हाट इज पैरेललोग्राम? सो इट इज रिलेटेड टू अ पैरेललोग्राम. दिस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर congruent. Are congruent. This is what we need to prove. So this is a type of geometrical theorem. अब students कोई भी geometrical theorem आप देखते हैं अपनी book के अंदर तो उसके end के ऊपर एक और जो statement लिखी होती है जिसको नाम दिया जाता है corollary. क्या नाम दिया जाता है? Corollary. अब corollary क्या चीज होती है? Corollary the results, ऐसे results which can be deducted, डिड्यूस किए जा सकते हैं, अखज़ किए जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द थ्योरम्स आर कॉल्ड कोरोलरी. ऊपर आप एक थ्योरम देखते हैं उसको आप प्रूफ करते हैं, एंड के ऊपर एक और नीचे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी होती है जो इसी थ्योरम को जिसको आपने प्रूफ किया उसको सामने रखकर आप उस नए रिजल्ट को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कोरोलरी. मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं थ्योरम और उससे रिलेटेड एक कोरोलरी मैंने सेलेक्ट की है. opposite angles of a parallelogram are congruent. opposite angles of a parallelogram are congruent. आप इस थ्योरम को प्रूव करते हैं तो इसी थ्योरम की बेसिस पर, इसी थ्योरम के पॉइंट्स को सामने रखते हुए आप ये कोरोलरी भी प्रूव कर सकते हैं कि opposite angles of a rhombus, ये एक और क्वाड्रिलेटरल है, चौकोर या चार साइड रखने वाली फिगर है, rhombus are congruent. so this is theorem and it is corollary which is related to this theorem, which can be proved on the basis of this, the statement and reasons of this above theorem. ठीक हो गया students? Now एक और चीज हम देखते हैं अक्सर theorems के अंदर, वो है converse of a theorem. Converse of a theorem नाम से जाहिर है converse यानी उलट, reverse से निकला हुआ लफ्ज़ उलट. अब converse क्या होता है students? Converse of a theorem जो होता है वो बिल्कुल जो है वो अपोजिट स्टेटमेंट होती है. यानी अगर एक थ्योरम है आपके पास, लेट अस सपोज मैं आपको कहता हूं कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, then the opposite angles to them are also congruent. ये एक थ्योरम है आपके पास कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो साइड होगी, अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट अस सपोज ये आपका ट्रायंगल है, मैं कहता हूं ये साइड जो है इस साइड की इक्वल है, ए बी सी एक आपका ट्रायंगल है, इसमें साइड AC इज इक्वल टू साइड BC, दिस इज गिवन, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है कि इस साइड के अपोजिट जो एंगल A है वो इस साइड के अपोजिट एंगल B के इक्वल है। ये स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हमसे डिमांड की है। अब इसका जो कन्वर्स थ्योरम होगा, जो कन्वर्स है उसको नंबर 2 बना देता हूं। कन्वर्स थ्योरम ये होगा कि इफ two angles of a triangle are congruent, then the angles, the sides opposite to them are also congruent, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले उसने कहा कि if two sides of a triangle are congruent, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, if two angles of a triangle are congruent। यहाँ पे गिवन में आपको दिया हुआ है कि साइड्स इक्वल हैं और प्रूव आपने करना है कि एंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और जब कन्वर्स थ्योरम आ जाएगा तो उसमें वो जो चीज पहले वाले में टू प्रूफ थी वो अब इसमें क्या है, गिवन है कि if two angles are congruent। पहले हमने एंगल प्रूफ किए इक्वल, साइड्स कॉन्ग्रुएंट लेकर, अब यहां पर हमने एंगल्स इक्वल लेकर साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दिस इज व्हाट अ कन्वर्स थ्योरम इज, ठीक। अब कन्वर्स थ्योरम अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास जो है इनिशियली क्या होगा, गिवन में क्या होगा कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, और टू प्रूव क्या होगा कि साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC, यानी इन एंगल्स के सामने जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो हमने क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। सिंपली अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कन्वर्स थ्योरम का तो वो ये होगा कि अगर इस पहले थ्योरम का जो गिवन है, गिवन वो दूसरे थ्योरम का टू प्रूव हो और जो इसका टू प्रूव हो वो दूसरे थ्योरम का गिवन हो, तो फिर ये दोनों थ्योरम्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का कन्वर्स थ्योरम्स कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की है। स्टिल हमारी अभी डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रहती है जिसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ थ्योरम को डिस्कस करना है कि कोई थ्योरम है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से हम किसी भी थ्योरम को जो है वो प्रूव करें तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा आसान लगे, थ्योरम हमारे लिए कोई मसला बिल्कुल भी ना हो। सो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पार्ट्स ऑफ थ्योरम को भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। Please stay tuned. Thank you very much. Allah Hafiz.